में जो साउथ के बड़े बड़े स्टार हैं संक्रांति में अपनी फिल्में लाते हैं, तो इस साल संक्रांति का बिजनेस क्या रहा? आदि पुरुष में प्रोड्यूसर ने बहुत सारी गलती की थी, हनुमान में वैसी गलतियां नहीं है। 695 में भी श्री राम के बारे में दिखाया। OTT में उनकी वेब सीरीज आती है, लेकिन बड़े पर्दे पर क्या वे लोगों को खींच पा रहे हैं? बड़े पर्दे में भी खींच पा रहे हैं। एनिमल और आप KGF पुष्पा टाइप की पिक्चर है तो 12 महीना देखते रहेंगे, मगर मैं अटल हूँ और 12th Fail जैसी पिक्चरें बहुत कम मिलेगी देखने। तो जब पर्दे पे आती तो सपोर्ट नहीं करते, OTT पे आती तो बहुत सपोर्ट करते हैं। फिल्म आई तो देखकर ऐसा लगा कि ये तो KGF जैसे ही है बिल्कुल। समय नहीं है, दर्शकों के पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं और TVs हैं, इतने सारे साधन हैं कि डंकी मूवी जैसी थी तो नहीं लगता है कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आप देख रहे हैं SB फिल्म्स एंड मीडिया। साथियों, एक बहुत ही खास कार्यक्रम मैं आप लोगों के साथ लाने जा रहा हूँ। कार्यक्रम का नाम है फिल्मी चर्चा और फिल्म के जानकारों के साथ। शो में हमारे साथ हैं अनिल भैया जो कि फिल्म के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, इनके साथ हम फिल्मी चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। तो अभी नया साल आ चुका है 2024 और ये चौथा या तीसरा हफ्ता लगा है। हम फिल्म की बात हफ्तों में ही करते हैं क्योंकि हर शुक्रवार नई फिल्म लेकर के आता है, और इस शुक्रवार जो फिल्म रिलीज हुई है हिंदी में, मैं अटल हूँ, एक 695 भी फिल्म आई हुई है। भैया, सबसे पहले बात करते हैं कि ये फिल्म कैसा रिस्पांस कर रहा है 2 दिन में? अगर पिक्चर का रिस्पांस तो स्लो है, बाकी पिक्चर बहुत अच्छी है, दर्शकों को तो देखना चाहिए, मोटिवेशन पर आधारित हुई है। तो फिल्म स्लो होने का कारण क्या है? कि लोग भक्तिमय में रंगे हुए हैं, जो अयोध्या में पूजा पाठ हो रहा है उसके? हाँ, लोग अभी बिजी हैं, अयोध्या में मंदिर का ये हो रहा है तो सभी लोग अपना आपस में पूजा पाठ में भिड़े हुए हैं। आगे अच्छा रिस्पांस देखने मिलेगा, आगे आने वाली फिल्मों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फाइटर मूवी रिलीज़ हो रही है, जिसका 2024 में बहुत अच्छे से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दर्शक इसको रिस्पांस देंगे और रिकॉर्ड कलेक्शन आएंगे। फाइटर का लोग इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उसके जो डायरेक्टर हैं, जिनकी पिछली फिल्म पठान थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म 2023 की थी, और फाइटर जो है, पठान भी पिछले साल ऐसी 26 जनवरी के आसपास आई थी और फाइटर को भी वो 26 जनवरी में ला रहे हैं। जी, बहुत अच्छा परेड होता है, लोग घूमना पसंद करते हैं गणतंत्र दिवस में, और देशभक्ति का माहौल होता है, और जिसका भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इसीलिए प्रोड्यूसर्स अपनी पिक्चर उस 25 जनवरी को ला रहे हैं। और फाइटर में ये सब चीज़ें हैं जो लोग देख करके, हमारे यहाँ 3D क्वालिटी में रहेगी, बहुत बड़ी स्क्रीन है, लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। दीपिका पादुकोण का नाम काफ़ी चल रहा है, पिछले साल तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनके प्रोजेक्ट्स आए थे, इस बार भी जो कहीं ना कहीं फाइटर से उनका जो इस बार फिर से शुरू होने जा रहा है नया साल फाइटर में, उसके बाद फाइटर के बाद अपना और कौन सी बॉलीवुड की फिल्में हैं जो अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्या आपको लगता है? फाइटर के बाद आने वाली पिक्चरें हैं KGF है, पुष्पा 2 है, और ऐसी बहुत सी बड़ी पिक्चर है। 2024 बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा साल होगा, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें आ रही है। KGF 3, अगर इसका कुछ अनाउंसमेंट ऐसा कुछ? हाँ, अनाउंसमेंट वगैरह अभी तो नहीं है, बाकी फाइनल हो जाएगा। लेकिन पुष्पा 2 का तो अनाउंसमेंट है, और पुष्पा 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, भोला 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐसी बहुत सी बड़ी पिक्चरों का अनाउंसमेंट है जो आगे लाइनअप है 2024 में। अभी हम रहते हैं भिलाई में, भिलाई में जो है साउथ ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और साउथ ऑडियंस के लिए संक्रांति में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो उसमें जो साउथ के बड़े बड़े स्टार हैं संक्रांति में अपनी फिल्में लाते हैं, तो इस साल संक्रांति का बिजनेस क्या रहा कुछ? संक्रांति का बहुत अच्छा बिजनेस रहा, 3-4 पिक्चरें साउथ की आई, जिसमें गुंडूर कारम बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कलेक्शन रहा। ना सामी रांगा एक मूवी थी, वो फ्लॉप हो गई, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। हनुमान का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बिना कास्टिंग की मूवी होने के बावजूद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मकर संक्रांति में देखने को मिला, और साउथ के दर्शक ज़्यादा हैं हमारे भिलाई में, इसलिए बहुत अच्छे कलेक्शन आते हैं। हनुमान की बात करें तो छुपा रुस्तम एक तरीके से निकली है, हाँ, ये बोल सकते। फिल्म के जो हीरो हैं तेजा सज्जा और वहीं पर जो इसके डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा, दोनों को जो है हिंदी ऑडियंस बिल्कुल नहीं जानती थी, उसके बावजूद जब हनुमान रिलीज हुई तो गुंटूर को कारम के साथ काफ़ी उनका मतलब वार चल रहा था बोले जाए तो, क्योंकि गुंटूर कारम को ज़्यादा सीट मिले थे वहाँ पर। इसकी दिक्कत होती है एक साथ मूवी आने पर, बाकी मूवी अच्छी हुई थी, इस वजह से हनुमान में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिला। तो उन्होंने जो हनुमान जी का उसमें अच्छे से दिखाया है, पहले दिन 2-2.5 करोड़ की ओपनिंग, फिर अगले दिन वो डबल होते गया, फिर कमाई भी बढ़ते गई, लोगों ने ही पसंद किया है। हाँ, साफ सुथरी तरीके से, जैसा आदि पुरुष में प्रोड्यूसर ने बहुत सारी गलती की थी, हनुमान में वैसी गलतियाँ नहीं है। 695 में भी श्री राम के बारे में दिखाया गया, ये सब चीज़ें दर्शक पसंद करते हैं। जैसे मैं अटल हूँ, ये भी बहुत अच्छी है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी पे आधारित है। उनके साथ जो हुआ, हमारे देश के साथ जो हुआ, इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के टाइम में और करगिल युद्ध से लेकर के बहुत सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया। मैं दर्शकों से और भाजपा सदस्य, शिवसेना, बजरंग दलों से मैं अटल हूँ फिल्म देखने के लिए विनती करूँगा, सभी ये फिल्म देखें और दर्शकों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश पहुँचाने में मदद करें। तो मैं अटल हूँ इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उनकी अदायगी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन OTT में उनका सिक्का चलता है, OTT में उनकी वेब सीरीज आती है, लेकिन बड़े पर्दे पर क्या वे लोगों को खींच पा रहे हैं? बड़े पर्दे में भी खींच पा रहे हैं, उनकी अभिनय की वाकई में तारीफ करना पड़ेगा। बाकी अब साइड एक्टर होने की वजह से उतनी पब्लिक को तो नहीं ला पाते हैं, मगर बहुत अच्छा है, उनका तारीफ करना पड़ेगा। इस मैं अटल हूँ, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो किरदार निभाया है बहुत ही शानदार किरदार है। ऐसा देखने से महसूस होता है कि सामने वाकई में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद हैं। और ये फिल्म मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को देखना चाहिए, छोटे बड़े भाजपा कार्यकर्ता इन लोगों को तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं, अटल बिहारी जी के रास्ते में चल रहे हैं, वो सब इसमें दिखाया गया है। अयोध्या में जो श्री राम जी की पूजा हो रही है, मंदिर बनाया गया, वो इस पिक्चर में सभी चित्रण किया गया है। दर्शकों में इस पिक्चर को देखने से एक मोटिवेशन जाएगा। अगर हम बात करें साल 2023 की, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी पिक्चर आपको कौन सी लगी? 2023 में सबसे अच्छी बोला जाए बिजनेस में तो लास्ट टाइम एनिमल आई दिसंबर में, उसने बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है और आगे भी 2024 में ऐसी पिक्चरें आते रहेंगी। और एक 12th फेल करके फिल्म आई थी, 12th फेल भी आई थी, जो मोटिवेशन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पिक्चर है। मैं चाहूँगा कि उस पिक्चर को जो नहीं देख पाए हैं वो भी उस पिक्चर को देखें, क्योंकि उसमें भी ऐसे किरदार हैं कि एक आम आदमी कैसे कलेक्टेड बनता है, उसके जीवन में क्या है, सब दिखाया गया। बहुत कम ऐसी पिक्चरें आती है, 12th फेल हो गया, मैं अटल हूँ, ये सब पिक्चर, एनिमल और आप KGF पुष्पा टाइप की पिक्चर है तो बारह महीने देखते रहेंगे, मगर मैं अटल हूँ और 12th फेल जैसी पिक्चरें बहुत कम मिलेगी देखने के लिए। हमें पता होता है कि सब पिक्चरों का बिजनेस उतना खास नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है शाहरुख सलमान की पिक्चर में ज़्यादा दर्शक आएंगे, आते हैं, पंकज त्रिपाठी में नहीं आएंगे। क्या होता है अनिल भैया, जैसे 12th फेल फिल्म आई थी ना, थिएटर में उतना लोगों ने उसको देखा, लेकिन अभी OTT में फिल्म अभी बीते हफ्ते आई है और इतना लोग उसके ऊपर शेयर कर रहे हैं, फिल्म के हीरो विक्रांत मेसी की बात कर रहे हैं, मेधा शंकर एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही जब पर्दे पे लगती है, जैसे अभी पंकज त्रिपाठी की फिल्म लगी हुई है मैं अटल हूँ, अभी फिल्म को लोग उतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब OTT पे आएगी तो फिर इसी के लोग तारीफ करने आएंगे, तो जब पर्दे पे आती तो सपोर्ट नहीं करते, OTT पे आती तो बहुत सपोर्ट करते हैं। आजकल ये हो रहा है बॉलीवुड में, बहुत कम समय में मूवी डिक्लेयर करके रिलीज कर दी जा रही है, हफ्ते दो हफ्ता पहले ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है, सॉन्ग रिलीज कर दे रहे हैं, और उससे क्या है मोटिवेट पिक्चर का लोगों तक पता ही नहीं चल पाता है। कम से कम 4-6 महीने पहले यदि प्रमोशन चालू होता तो लोगों को जानकारी होती है। जैसा आप बोल रहे हैं 12th फेल का जब थिएटर में लगी थी तो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश की, आप लोगों को हम लोगों को सपोर्ट मिला, पत्रकारों की तरफ से सपोर्ट, न्यूज़ की तरफ से सपोर्ट मिला, तब हमने अपनी सारी बातें दर्शकों तक पहुँचाई, तब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स देखने आए। ये चीज़ें प्रोड्यूसर को भी करना चाहिए और बहुत पहले से करना चाहिए। अब जैसे मैं बोलना चाहूँगा मैं अटल हूँ, इस पिक्चर का प्रमोशन बिल्कुल ही वीक है, दो हफ्ता पहले इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, मूवी आ गई थिएटर में लग गई, अब ये ऐसा होगा कि मूवी निकल जाएगी, OTT पर जब आएगी तब लोगों को समझ में आता है कि मूवी अच्छी है, उसमें शेयर करेंगे अटल की अटल जी की इन बातों को दिखाया, अटल जी के इन चीज़ों को इन्होंने अच्छे से प्रस्तुत किया, उस टाइम बात करेंगे, अभी जब देखने का वक्त है तब बात नहीं होगा। क्या दर्शकों में भी एक भावना आ गई है कि जहाँ भीड़ है वहाँ एंजॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं, हल्ला करने के लिए, और लोग इंटरटेनमेंट मास की पिक्चर देखना अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी जैसे मास फिल्म की हम बात कर रहे थे तो प्रभास मास स्टार हैं, 2023 में आखिरी फिल्म उन्हीं की थी सलार। जब फिल्म आई तो देखकर ऐसा लगा कि ये तो KGF जैसे ही है बिल्कुल। अब ये हो गया है, ट्रेंड ऐसा हो गया है कि एक अगर मूवी रिलीज़ होती है वो अगर चल गई तो लोग वैसे ही मूवी कंटिन्यू, वैसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं। छत्तीसगढ़ी मूवी एक चल गई तो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, साउथ की एक एक्शन मूवी चल गई तो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। आज पब्लिक के पास में टाइम नहीं है, आपका जो बोल रहे हैं कि OTT में लोग देख रहे हैं तो समय नहीं है, दर्शकों के पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं और TVs हैं, इतने सारे साधन हैं, तो वो 3 घंटा थिएटर में तभी जाएंगे जब उनको इंटरटेनमेंट, भीड़ भाड़ और उनकी ज़रूरत की चीज़ें और उनको रिस्पेक्टेड मिले।
और यही होता है अभी, और इसी वजह से लोग OTT पे देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें सलार के अपोजिट डंकी आई थी शाहरुख खान की, राजकुमारी रानी 2018 के बाद कोई फिल्म लेकर के आए थे, तो उसका बिजनेस क्या रहा शाहरुख की अन्य फिल्मों के मुकाबले? राजकुमार हिरानी जी से जो एक्सपेक्टेड किया गया था तो वो बात डंकी में नहीं दिखी कि डंकी मूवी जैसी थी, तो नहीं लगता है कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी है। कि ऐसा कुछ कारण आपको नज़र आता है? मैंने अपना बचपना से ये मूवी लाइन में निकाल दिया है, इससे पहले लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स और बहुत सारी पिक्चर संजू, राजकुमार हिरानी की देखी, उसमें एक बहुत अलग ही फेवर होता है कि एक के बाद क्या होने वाला है, पूरी मूवी देखते हैं लोगों में एक मोटिवेशन का रहता है, और इस पिक्चर में वैसा कुछ नहीं था, था पर जितना एक्सपेक्टेड किया गया था वो नहीं था। ये राजकुमार हिरानी की कम ऐसा लग रहा था शाहरुख की लव स्टोरी वाली कोई मूवी है, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स भी कुछ वैसा ही था, ऐसा लग रहा है पूरी रोमांटिक फिल्म थी, रोमांटिक मूवी कर दिया, उसमें मोटिवेशन में उतना जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, कॉमेडी भी जैसा राजकुमार हिरानी की होती है वो नहीं हुई, इस वजह से दर्शकों ने उसे नकारा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए साल 2023 बॉलीवुड में शाहरुख खान ने बॉलीवुड को जिंदा कर दिया था। हाँ, क्या बोलेंगे इस पर? बिल्कुल जिंदा तो किया उसने, कलेक्शन तो आए हैं, ये मानना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ आगे और भी जो चर्चा हम करते रहेंगे, आगे कोई और फिल्म आएगी उस पर हम बात करेंगे। फिल्मी चर्चा का यह एपिसोड 1 था, हमने कुछ नया ट्राई किया कि जो कितनी फिल्में आ रही उस पर बात करें, लोगों का क्या पसंद है क्या नापसंद है, लोग कैसी फिल्में थिएटर में देख रहे हैं, कैसी फिल्में OTT में देख रहे हैं, वेब सीरीज पर बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम गहन तरीके से बात करेंगे। ये एपिसोड 1 था, हमने कोशिश की कि कुछ कुछ मुद्दे पर बात करें, और आगे और भी फिल्में जो आएंगी उस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं, क्या आप पुष्पा देखने के लिए रेडी हैं या फाइटर के लिए आप एक्साइटेड हैं, आप इस कमेंट पर लिखें। आपके जो फेवरेट हीरो हैं शाहरुख खान की, कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद आई इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए, मीडिया से जुड़ी जानकारी के लिए, बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी के को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और उनसे विनती कहना चाहूँगा कि मेरे न्यू वसंत सिनेमा में परिवार के साथ फिल्म देखें। आपकी हर सुविधा के अनुसार पारिवारिक सिनेमा स्वागत करता है आपका न्यू वसंत। धन्यवाद, जय जवाहर।